मुंबई के विस्फोटक बल्लेबाज पृथ्वी शॉ ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज से भी नजरअंदाज होने के बाद अपनी चुप्पी तोड़ी है। हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मैं निराश हूं, मैं रन बना रहा हूं, काफी मेहनत कर रहा हूं, लेकिन मौका नहीं मिल रहा है। पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई पहुंचे। एमएस धोनी ट्रेनिंग कैंप में शामिल होने और आईपीएल नीलामी में भाग लेने से पहले अक्सर इंडियन प्रीमियर लीग के सीजन से पहले चेन्नई का दौरा करते रहते हैं। सीएसके ने ट्विटर पर धोनी की फोटो पोस्ट की है। टी20 वर्ल्ड कप 2022 में टीम इंडिया अपने अभियान का आगाज 23 अक्टूबर को चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के खिलाफ करेगी। इस कड़ी में भारतीय पूर्व बैटिंग कोच संजय बांगर ने बड़ा बयान दिया है। बांगर का कहना है कि पाकिस्तान की बैटिंग सिर्फ बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान पर टिकी है, वहीं भारत के पास कई मैच विनिंग खिलाड़ी हैं। भारतीय वनडे टीम को करारा झटका लगा है, क्योंकि लखनऊ में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले मैच से पहले हुए ट्रेनिंग सत्र के दौरान टखना मोड़ने के कारण सीनियर तेज गेंदबाज दीपक चहर बचे हुए दो मैच नहीं खेल पाएंगे। चहर उस भारतीय टीम के अंतिम एकादश का हिस्सा नहीं थे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए टी20 वर्ल्ड कप के शुरू होने से कुछ दिन पहले अच्छी खबर सामने आई है। स्टार तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी घुटने की चोट से पूरी तरह से ठीक हो गए हैं और वो भारत के खिलाफ 23 अक्टूबर को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर होने वाले मुकाबले में खेलते हुए नजर आएंगे। जमैका डोपिंग रोधी आयोग ने वेस्टइंडीज के बल्लेबाज जॉन कैम्पबेल को डोपिंग रोधी नियम के उल्लंघन के लिए 4 साल का बैन लगाया गया है। वेस्टइंडीज के लिए जॉन कैम्पबेल ने 20 टेस्ट, 6 वनडे और 2 T20 मैच खेले हैं। हॉकी में भारत के नाम एक और उपलब्धि जुड़ी है। स्टार डिफेंडर और ड्रैग फ्लिकर हरमनप्रीत सिंह को FIH मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया है। उन्होंने लगातार दूसरी बार ये उपलब्धि अपने नाम की है। 26 साल के हरमनप्रीत ऐसा करने वाले दुनिया के सिर्फ 4थे खिलाड़ी हैं। पुर्तगाल के महान फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपने करियर के सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि उनके पैरों का जादू गायब हो गया है। वो 6 मीटर की दूरी से भी गोल नहीं कर पा रहे हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड की टीम ग्रुप ई के अपने 3रे मैच में ओमोनिया के खिलाफ किसी तरह 3-2 से जीत हासिल करने में सफल रही। पकड़ो कैच, जीतो मैच, ये तो हर कोई जानता है, लेकिन क्रिकेट की हर खबर हम आपको बताते हैं। इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और जुड़े रहें इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल के साथ। ब्यूटीफुली प्ले।